नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के सेशन में हम आपके लिए लाए हैं क्लोरोडॉक प्रोडक्ट के बारे में। इस सेशन में हम आपको बताएंगे कि इसके इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से हैं, उन इंग्रेडिएंट्स के क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स हैं, इसके अलावा इस प्रोडक्ट को कैसे इस्तेमाल करना है और इस्तेमाल करते समय हमें क्या क्या सावधानियाँ बरतनी है इत्यादि, इन सारी की बातों की चर्चा हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। इसमें हम आपको हेल्थ बेनिफिट, इंग्रेडिएंट्स, हाउ टू यूज दिस प्रोडक्ट एंड प्रिकॉशंस के बारे में बताएंगे। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ये क्लोरोडॉक प्रोडक्ट क्या है। दोस्तों, ये एक लिक्विड फॉर्मेट में बना हुआ एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, जिसे AWPL एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा बनाया गया है। ये जो प्रोडक्ट है, ये AWPL के वेलनेस कैटेगरी का प्रोडक्ट है और इस प्रोडक्ट का जो काम है बहुत ही बेहतरीन है। ये नया ब्लड बनाने से लेकर ब्लड में प्लेटलेट्स काउंट को बढ़ाना और स्किन डिजीज की जो भी प्रॉब्लम है, इन सारी चीज़ों में ये काफ़ी कारगर प्रोडक्ट है। अब हम बात करेंगे क्लोरोडॉक प्रोडक्ट के कौन कौन से कंपोजिशन हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं। दोस्तों, इसे व्हीट ग्रास लीफ, अल्फा अल्फा, पुदीना लीफ और तुलसी लीफ से मिलाकर बनाया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे इन हर्ब्स के बारे में कि व्हीट ग्रास का क्या हेल्थ बेनिफिट्स है, अल्फा अल्फा लीफ हुआ, पुदीना लीफ हुआ, तुलसी लीफ हुआ, इसका क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स है, इसके बारे में हम नेक्स्ट जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हीट ग्रास। दोस्तों, व्हीट ग्रास जो है, इसे गेहूं के ज्वारे भी कहा जाता है और ये जो है शरीर में रक्त संबंधी समस्या हो या डायबिटीज़ का प्रॉब्लम हो, कैंसर, स्किन डिजीज हो या मोटापा हो, इन सारी समस्याओं में ये काफ़ी कारगर औषधि के रूप में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा ये क्षारीय पदार्थ होता है, जिससे कि कब्ज हुआ, दस्त हुआ और अल्सर हुआ या पाचन संबंधी कोई भी समस्या है उसमें ये काफ़ी लाभप्रद माना जाता है, तथा ये मलेरिया और डेंगू में भी इस्तेमाल होता है। इसके अलावा यदि हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स काउंट घट गया है तो उसको बढ़ाने में भी व्हीट ग्रास काफ़ी कारगर है। नेक्स्ट हर्ब्स है लीफ अल्फा अल्फा। दोस्तों, लीफ जो अल्फा अल्फा है, ये एक तरह का चारा वाला फसल है और ये चारा के रूप में उगाया जाता है। इसका इस्तेमाल अनेक रोगों में किया जाता है, हर्बल दवाइयों को बनाने में कई सालों से इस्तेमाल किया जाता रहा है। इसमें प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन बी इत्यादि बहुत ही प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके इन्हीं पोषक तत्वों के चलते इसे सभी खाद्य पौधों में, इसे फादर ऑफ प्लांट्स कहा जाता है। यदि इसके बेनिफिट्स के बारे में हम बताएं तो मधुमेह नियंत्रण, वजन घटाने में, हार्ट से संबंधित समस्याएं, इसके अलावा इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने में, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में, पाचन शक्ति को मजबूत करने में, स्किन से संबंधित समस्याओं में काफ़ी कारगर हर्ब्स है। नेक्स्ट है पुदीना लीफ। दोस्तों, पुदीना जिसे कि हम मिंट भी कहते हैं और ये बहुत सारे औषधीय गुणों से भरपूर होता है, जो कि अनेक समस्याओं को दूर करने में कारगर होता है। इसके हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में यदि हम बताएं तो इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने में ये भी कारगर है। इसके अलावा तनाव को कम करता है, स्किन डिजीज़ में भी ये यूज होता है। मुंह में छाले पड़ गए हैं या मुंह से दुर्गंध आ रहा है तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पाचन संबंधी समस्याओं में भी इसका इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट हमारा जो हर्ब्स है क्लोरोडॉक में, वो है तुलसी लीफ। दोस्तों, तुलसी के पौधे को कौन नहीं जानता है, औषधीय गुणों से भरपूर होता है। इसके अलावा धार्मिक महत्व के कारण भी ये घर में आसानी से पाया जाता है। यदि हम इसके हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में बात करें तो इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना, सर्दी जुकाम बुखार इत्यादि में इसको काढ़ा के रूप में भी लोग इस्तेमाल करते हैं। पाचन संबंधी समस्या यदि है तो उसमें हम इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल मुंह से होने वाले दुर्गंध या स्किन डिजीज है, स्किन से रिलेटेड कोई समस्या है या डिप्रेशन है, टेंशन है, उसको दूर करने में तुलसी काफ़ी कारगर होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हाउ टू यूज़ दिस प्रोडक्ट एंड क्या प्रिकॉशन है यूज करते समय, इन सारी बातों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले क्लोरोडॉक प्रोडक्ट को 25 से 30 ml दिन में
दो बार खाना खाने के बाद इसे इस्तेमाल करना है। इसके अलावा जब इस प्रोडक्ट को हम यूज कर रहे हैं, परचेज करने के बाद जब हम इसको पहली बार यूज करते हैं, तो ओपन करने के 30 दिनों के अंदर में इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर देना है। ये प्रोडक्ट 30 दिन का इसमें डोज होता है। नेक्स्ट जो है, प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते समय इसे ध्यान रखना है कि ठंडे और सूखे स्थान पर रखें। इसके अलावा डायरेक्ट जो सनलाइट है उससे इसे बचाकर रखना है। तो दोस्तों, आज के सेशन में हमने देखा AWPL के क्लोरोडॉक क्रश के बारे में, इसके क्या हेल्थ बेनिफिट्स हैं, इसे कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स से मिलाकर बनाया गया है, उन इंग्रेडिएंट्स के क्या हेल्थ बेनिफिट्स हैं, इसके अलावा हम इस प्रोडक्ट को कैसे इस्तेमाल करें, इस्तेमाल करते समय क्या क्या सावधानियां बरतें, इत्यादि इन सारी बातों की चर्चा हम आज इस वीडियो के माध्यम से की। दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और जो दोस्त नए हैं इस चैनल में वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम इस तरह के अनेक वीडियो आप तक पहुंचा सकें। तो दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह की नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। धन्यवाद।